हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी बीडेड कोस्टर हेक्सागन शेप का। पिछले वीडियो पे मैंने आपको स्क्वायर एंड सर्कुलर शेप का कोस्टर सिखाया था, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, तो शुरू करते हैं। मैंने थ्रेड को नायलन थ्रेड यूज़ किया है, तो नायलन थ्रेड को मैंने डबल लेयर पर यूज़ किया है। शुरू करें। पहले आप इस तरह से 6 बीड्स लें। इस तरह से आप 6 का फ्लावर बनाए। किसी भी एक बीट से आप शुरू करें इस तरह से। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन पे मैं ब्लू कलर का बीड्स यूज़ किया है, तो दो आप ब्लू ले, एक आप वाइट ले और फिर दो ब्लू ले। तो आपको ध्यान में रखना होगा, आपको फ्लावर जो बनाना है वो 6 का होगा। तो एक आपका ये वाला जो बीड्स है वो पहले से ही मौजूद है, तो आपको और 5 बीड्स लेने होंगे। तो मैंने यहाँ पे बाई कलर का यूज़ किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला जो दो बीड्स है वो दूसरी कलर, और ये वाला जो आप बीड्स होगा थर्ड जो बीड्स वो इसी सेम कलर के, और फिर इसके बाद ये वाला जो दो बीड्स है वो आप सेकेंड कलर के यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद थ्रेड को इस बीट से आप घुमाइए। ये वाला जो एक बीट्स आपके पास है, तो फिर आपको क्या लेना होगा, एक ब्लू, एक वाइट उसके बाद फिर दो ब्लू। एक वाइट आपके पास ये वाला जो है वो पहले से ही मौजूद है, तो इस तरह से आपको कवर अप करना होगा पूरी तरह से। आप देख सकते हैं, फिर उसी तरह से दूसरे बीट्स से आप शुरू करें। दो ब्लू ले, एक वाइट, उसके बाद फिर एक ब्लू, क्योंकि आपके यहाँ पे ये वाला जो ब्लू है वो ऑलरेडी है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड लाइन ख़त्म होता है, तो ये वाला जो बीड्स है और ये वाला जो बीड्स है और ये वाइट है, तो आपके पास तीनों बीड्स मौजूद है। तो आपको क्या लेना होगा, एक ब्लू, एक वाइट और फिर से एक ब्लू। तो ये तीनों पकड़ कर आपको 6 बीड्स हो गया इस तरह से। अब आप कॉर्नर पे जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पांचों कॉर्नर हो गया आपका। फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो वाइट है आपको एक वाइट आपके पास है, तो फिर से आपको दोनों वाइट, एक ब्लू, उसके बाद फिर दो वाइट लेना होगा। इस तरह से कॉर्नर पकड़ कर कीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना गलती हो सकती है। इसके बाद आता है ये दो बीड्स, तो आपके पास तीनों बीड्स मौजूद है, तो आपको यहाँ पे तीन और वाइट लेना होगा। इस तरह से अब ये वाला जो कॉर्नर आता है, ये और ये वाला बीड्स को आप पकड़िए। इसका मतलब आपके पास ये वाला जो दो बीड्स है, तो आपको और 4 बीड्स लेने होंगे। दो वाइट, एक ब्लू और एक वाइट। Thank you.
यहाँ पे आप जब ख़त्म करेंगे इस लाइन को तो आपके पास ये वाला दो और ये वाला दो बीट्स ऑलरेडी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ दो वाइट बीट्स लेने होंगे। इस तरह से आप कॉर्नर पकड़ के कीजिए, ये आप पांचों वाला कॉर्नर देख सकते हैं, वहां से शुरू करें। तो एक लाइन हो गया ब्लू का, एक लाइन हो गया वाइट का, तो फिर आता है ब्लू का लाइन। तो उसी तरह से करें, ब्लू को एक पकड़िए, उसके बाद जिस तरह से आपने यहाँ पे थर्ड लाइन को कवर किया था उसी तरह से आप दो ब्लू ले, एक वाइट ले और फिर दो ब्लू ले, इस तरह से आप करते जाएं। सेम प्रोसेस है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे जो थर्ड लाइन आता है ये वाइट वाला जो दिखाया था, उसी तरह से आप ब्लू को भी करते जाइए, एक के बाद एक लाइन करते जाइए, जितना भी आप बड़ा चाहते हैं उतना करते जाइए। इस तरह से आप इसे कवर करते जाइए, ये हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन इसे पकड़कर पांचों कॉर्नर को पकड़कर आप जाए तो समझने में आसानी होगी और करने में भी। ये हो गया आपका बीडेड कोस्टर हेक्सागन शेप का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। ऐसे और भी मज़ेदार बीट्स आर्ट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।